देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जांच की दायरे में आएगी बिजली की खरीद और फरोख्त। जी हां, अब जांच के दायरे में आएगी बिजली की खरीद, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा राज्य मंत्री हरिलाल नागर ने पदभार संभाला, पदभार ग्रहण के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पदभार संभाला और पदभार ग्रहण करने के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी, फिर चाहे बिजली की खरीद हो या फिर केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन, इसमें जहां भी अनियमितताएं पाई जाएगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फ्री बिजली सहित अन्य योजनाओं के भविष्य पर भी बोले नागर, जनता से जुड़ी हर योजना को बेहतर करने की दिशा में काम किया जाएगा। ऊर्जा विभाग को अब पूरी पारदर्शिता के साथ चलाया जाएगा। तो ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर अब एक्शन मोड भी, और पदभार ग्रहण करने के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की अब समीक्षा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए अब हीरालाल नागर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत की और कहा कि ऊर्जा विभाग को पूरी पारदर्शिता के साथ चलाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? कि आज ऊर्जा मंत्री ने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया है हीरालाल नागर ने, और जो पदभार ग्रहण करने के साथ ही जो फसले से बातचीत की है, बातचीत में उन्होंने बहुत स्पष्ट उसमें बहुत स्पष्ट किया है कि बिजली की खरीद फरोख जो हुई है पिछले 5 सालों के अंदर वो पूरी जांच के दायरे में लाई जाएगी, उसके लिए बाकायदा जांच कराई जाएगी, चाहे वो केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो या फिर बिजली की खरीद फरोख हो या फिर अन्य तरह के कोई भी योजनाओं का क्रियान्वयन, सभी जगह चीजों को लेकर के ऑडिट कराई जाएगी। इसमें जो भी अनियमितताएं सामने आएगी उन अधिकारियों पर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। और आज कार्यभार संभालने के साथ ही उन्होंने एक बहुत स्पष्ट कर दी कि ऊर्जा महकमा जनता से जुड़ा महकमा है और यहाँ की हर योजना को बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से करने के दिशा में काम होगा। ऊर्जा महकमे को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लाया जाएगा और जिससे जनता में विश्वास जग सके, और जो एक छवि विभाग की बनी हुई है पिछले लंबे समय से करप्शन को लेकर के, उस छवि में काफी हद तक सुधार हो, इसके लिए वो प्रयास करेंगे, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिए। बिल्कुल विकास, और देखिए हीरालाल नागर ने ये भी कहा जब खास बातचीत फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ की कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके कार्यप्रणाली को, उनके कामकाज को भी समीक्षा उनके कामकाज की जाएगी। देखिए बिल्कुल पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की समीक्षा का उन्होंने कहा, साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि फ्री बिजली समेत अन्य जो योजना है उनके भविष्य को लेकर जब नागर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जनता जुड़ी हर योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होगा, यानी कि अभी सरकार का ऐसा कोई मानस नहीं है कि इतनी योजनाओं को एक साथ बंद किया जाए, हालांकि इनका बेहतर विकल्प जरूर तलाशा जाएगा और बेहतर विकल्प तलाशने के बाद में उन योजनाओं का तराजू पे लाया जाएगा। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा की। उसके लिए तो आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की और पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, ये भी कहा नागर ने।